तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर टेल्लो ताजपुरिया जिस बैरक में भाग रहा था, वहां कैद एक कैदी ने क्या खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज में जब टेल्लो ताजपुरिया रेड टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर बैरक की तरफ भाग रहा था तो दूसरे कैदी से वो क्या बोला। जब टेल्लो को गोगी गैंग के बदमाश बैरक से मारते हुए ला रहे थे तो दूसरा कैदी यानी कि रोहित कैसे बच गया। गोगी गैंग के बदमाश उस वक्त मारते मारते टेल्लो ताजपुरिया को क्या कह रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जब टेल्लो बैरक के अंदर घुस गया था तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं कर पाया, जबकि वो बड़े ही आसानी से दरवाजा बंद कर सकता था। टेल्लो ताजपुरिया तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारा गया एक ऐसा गैंगस्टर है जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि दो तीन लोगों को वो अकेले ही पटक देता अगर वो जुर्म के दुनिया में ना आकर पहलवानी के दुनिया में होता। जेल के अंदर ही टेल्लो ने अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रखा था, लेकिन इस फिटनेस का कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि टेल्लो ताजपुरिया उन चार बदमाशों को नहीं रोक पाया जो उसे मार रहे थे। टेल्लो ताजपुरिया के आखिरी शब्द क्या थे जो उसने भागते भागते दूसरे कैदी यानी कि रोहित से कहे थे, बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। देश की हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टेल्लो ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। इस वारदात को गोगी गैंग के दीपक तेतर, योगेश, राजेश और रियाज ने अंजाम दिया, जिनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बीते दिन इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। अब हत्याकांड का एक चश्मदीद सामने आ चुका है जिसने कहा कि तिहाड़ जेल में टेल्लो ताजपुरिया का कत्ल कैसे हुआ, एक एक बातें उसने बताई हैं। इस कत्ल की पूरी कहानी जेल नंबर 8 के वार्ड नंबर 5 के सेल नंबर 7 में बंद उस कैदी यानी कि रोहित ने सुनाई है जो टेल्लो ताजपुरिया के साथ घायल है। रोहित ने कहा कि बी ब्लॉक में गोगी गैंग के गुर्गे रियाज गैंडा, राजेश, योगेश और दीपक बंद थे। ये चारों टेल्लो ताजपुरिया से रंजिश मानते थे और गोगी की हत्या के लिए टेल्लो को जिम्मेदार मानते थे। टेल्लो के साथ घायल कैदी रोहित ने बताया कि 2 मई की सुबह जब करीब 6 बजे के आसपास सब लोग बैरक में थे, टेल्लो भाई उस वक्त बरामदे में घूम रहे थे। मैं अपनी सेल में था तभी टेल्लो भाई भागते हुए मेरी सेल की तरफ आए और बोले कि जल्दी दरवाजा बंद करो, लोग चाकू लेकर मारने आ रहे हैं। रोहित तुरंत उठा और टेल्लो के साथ मिलकर सेल के ग्रिल का दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। इतने में दरवाजे के बाहर योगेश और दीपक आ गए थे, वो धक्का मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से टेल्लो ताजपुरिया और रोहित दरवाजा पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे तो दीपक और योगेश ने उनके ऊपर ग्रिल के बाहर से ही चाकुओं से वॉर करना शुरू कर दिया। इतने में पीछे से रियाज गैंडा भी आ गया और वो टेल्लो से कह रहा था कि आज तेरा काम खत्म कर देंगे। रोहित आगे कहता है कि मैंने टेल्लो को बचाने की काफी कोशिश की, रोकने की कोशिश करने पर राजेश और रियाज गैंडा ने कहा अगर बीच में आएगा तो तू भी साथ मरेगा। इसके बाद वो रोहित पर भी चाकू से वार किए। रोहित ने कहा कि मैंने हाथ अड़ाकर किसी तरह से अपना बचाव किया, इस दौरान मेरे हाथ में भी चाकू लग गए। दीपक, योगेश और रियाज गैंडा ने सेल का दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोलते ही राजेश, योगेश और रियाज गैंडा, दीपक सेल की तरफ अंदर घुस गए और टेल्लू को चाकू मारते हुए बाहर खींच कर ले गए। बाहर उन चारों ने टेल्लू के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वॉर करने शुरू कर दिए। टेल्लू ने बचने की कोशिश की तो योगेश ने पकड़ लिया और दीपक और रियाज से चिल्लाकर कहा कि मारो, आज बचना नहीं चाहिए। इसके बाद दीपक, रियाज और योगेश ने टेल्लू के पेट, छाती और गर्दन के साथ ताबड़तोड़ कई जगह चाकुओं से वॉर किए। चश्मदीद रोहित ने कहा कि जिसने भी टेल्लू को बचाने की कोशिश की उसे जान से मारने की धमकी दे दी गई। उसने कहा कि मैंने और अन्य कैदियों ने टेल्लू को बचाने की कोशिश की तो राजेश ने उन्हें भी चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर में जेल का स्टाफ वहां पर आ गया और बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाया। ये चारों बदमाश बी ब्लॉक की ग्रिल का सरिया तोड़कर फिर ग्रिल में चादर बांधकर फिर ए ब्लॉक में नीचे उतरे। नीचे आकर अन्य सेल का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था ताकि कोई भी टिल्लू को बचाने ना आ पाए। रोहित ने कहा कि हमले के बाद जेल स्टाफ टिल्लू को और मुझे लेकर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में मुझे इस बात की जानकारी मिली कि टिल्लू भाई की मौत हो चुकी है। इससे पहले वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। इसमें हमलावरों को बेडशीट के सहारे नीचे कूदते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद ताजपुरिया पर गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे लोहे की रॉड और सुए से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में एक शख्स भी बीच में आता है, तभी उसे भी चोट लगती है, बाद में वो किनारे हो जाता है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक टेल्लो पर सुबह से 90 से ज्यादा बार हमले किए गए। यह हमला सुबह करीब 6:15 पर किया गया था। प्रशासन ने कहा कि चारों बदमाश जेल नंबर 9 के फर्स्ट फ्लोर पर बंद थे। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के पहले लोहे के ग्रिल को काटा था, उसके बाद बेडशीट की मदद से ग्राउंड फ्लोर पर कूदकर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद टेल्लो ताजपुरिया की हत्या कर दी।
प्रशासन ने कहा है कि गोगी गैंग के दीपक तीतर, योगेश, राजेश और रियाज गैंडा ने यह हमला किया है। हालांकि टिल्लू की हत्या के पीछे रोहित मोई का भी हाथ बताया जा रहा है। जितेंद्र गोगी के कई करीबी और गैंग मेंबर तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। इसे गोगी गैंग का राइट हैंड कहा जाता है। जितेंद्र गोगी के साथ गिरफ्तार हुआ उसका बेहद करीबी रोहित मोई भी इसी तिहाड़ जेल में बंद है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी फिलहाल कनाडा में बैठे गैंगस्टर सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने ली थी। हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ का एक फेसबुक पोस्ट सामने आया था जो सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि टिल्लू की हत्या हमारे दीपक तीतर और योगेश टुंडा ने की है। इस पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने आगे लिखा था कि जितेंद्र गोगी की हत्या की जिम्मेदारी टिल्लू ने ली थी जो शुरू से ही हमारा दुश्मन था। आज इसकी हत्या योगेश और तीतर ने करके सभी भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक में आगे भी लिखा था कि गोगी की हत्या में जो लोग भी शामिल थे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। दरअसल देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को मौत के घाट उतारा गया और अब गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की वहां पर हत्या कर दी गई। असल में दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो एक साथ मिलकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में और जेल के बाहर भी काम करते हैं और इनके बीच में आए दिन इस तरह की गैंग वॉर जेल के अंदर और बाहर लगातार देखने को मिलती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।